वेलकम टू माय चैनल मेडिको मैम। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में डीएमएलटी एग्जाम से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगी। इसका नाम है म्यूजियम टेक्निक। इस वीडियो में हम म्यूजियम टेक्निक क्या होती है, इसके पर्पस क्या हैं, क्यों की जाती है और कौन कौन से स्टेप्स हम म्यूजियम टेक्निक में यूज करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसका शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक म्यूजियम टेक्निक। सबसे पहले हम देखते हैं म्यूजियम टेक्निक क्या होती है। म्यूजियम जो टेक्निक है या वी कैन ऑल्सो से जो पैथोलॉजिकल म्यूजियम है वो क्या होता है कि पैथोलॉजिकल म्यूजियम्स आर हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटिंग द पायोनियर वर्क ऑफ डायग्नोस्टिशियन। डायग्नोस्टिशियन का जो पायोनियर वर्क होता है उसका क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। वो किस तरह से अपने जो डायग्नोस्टिक वर्क जो उन्होंने किया स्टार्टिंग में उनको रिप्रेजेंट करना होता है एक म्यूजियम के अंदर। इसके जो पर्पस होते हैं वो क्या होते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ मटेरियल, जो भी हम मटेरियल कलेक्ट करते हैं ठीक है उसका रिकॉर्ड रखना, और रिसर्च के लिए यूज में आते हैं म्यूजियम्स। अलग अलग टाइप्स की रिसर्च करते हैं, एग्जीबिशंस होती है मटेरियल्स की, जो भी हम मटेरियल्स या निकालते हैं ह्यूमन बॉडी से उसका क्या होता है, एक तरीके से एग्जीबिशन के तौर पर उसको लगा के रखते हैं। इसके बाद और क्या है इसका, एजुकेशन। एजुकेशन की फील्ड में भी ये जो मेडिकल फील्ड से जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनको क्या करता है, स्टडी करने में भी ये हेल्प करता है। तो ये हो गए इसके पर्पस। हम देखते हैं इसकी जो टेक्निक है उसमें कौन कौन से स्टेप्स यूज आते हैं। सबसे पहले जो स्टेप्स है इसका वो है रिसेप्शन, देन प्रिपरेशंस, इसके बाद आता है फिक्सेशन, नेक्स्ट रिस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन एंड नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन। तो हम एक एक करके इन स्टेप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिसेप्शंस क्या होते हैं। Receptions of the specimen material are collected from teaching hospital, operation theater, postmortem room and research laboratories. इन से क्या कर सकते हैं, specimens को collect करते हैं। उसके बाद आता है specimens should be received with full detail of the patient. जो specimen हमने collect किया है वो patient के पूरी details के साथ होना चाहिए, patient का नाम होना चाहिए, कलेक्शन ऑफ डेट होनी चाहिए, नंबर ऑफ स्पेसिमेन होना चाहिए और उसके साथ साथ ईयर भी लिखा होना चाहिए। इसके बाद जो रिसेप्शन बुक होती है वो भी क्या होनी चाहिए, सो कंटेन ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेसिमेन। स्पेसिमेंस के बारे में उसकी सारी जो इंफॉर्मेशन है उस बुक में क्या होनी चाहिए, रिकॉर्ड होनी चाहिए। इसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ द स्पेसिमेन। अब हमने स्पेसिमेन को क्या कर लिया, कलेक्ट तो कर लिया, उस प्रिपरेशन कैसे करेंगे, उसको किस तरह से उसकी तैयारी करेंगे अपने डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इन अ म्यूजियम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट है, स्पेसिमेन शुड नॉट वॉश विथ वॉटर बिकॉज इट रिजल्टेंट हीमोलाइसिस। जैसे ही हमने स्पेसिमेन कलेक्ट किया हमें इसको क्या नहीं करना चाहिए, वॉटर से वॉश नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इट इज कॉज ऑफ हीमोलाइसिस। And specimen should be washed only with saline and kept in a saline vial. जब तक कि हम इसको demonstration के लिए तैयार नहीं कर लेते उसको हमें किस में रखना है, saline water. पर एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि हमें saline में 2 घंटे से ज्यादा इसको नहीं रखना है। Next हमारा point यही है, but autolysis began if the remain in saline for more than 2 hours. अगर हमने इसको saline में 2 घंटे से ज्यादा रखा तो क्या हो सकता है, इसका autolysis start हो सकता है। If, ये तो हो गई इसकी प्रिपरेशन कि हमें किस तरह से इसको, जैसे ही हमने स्पेसिमेन को रिसीप्ट किया उसकी हम इस तरह से क्या कर लेंगे, इसकी प्रिपरेशन कर लेंगे। अगर हमने स्पेसिमेन के रूप में क्या लिया है, कोई ऐसा पार्ट लिया है, इफ प्लानिंग टू यूज अ स्पेसिमेन फॉर म्यूजियम, म्यूजियम रखने की हमारी प्लानिंग है, फॉर पार्ट क्या करेंगे तो हम इसको कैन बी कैप्ट विदाउट डिस्टर्बिंग, तो उसको हम बिना डिस्टर्ब के भी रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले उसकी सारी प्रोसेस होगी, किस तरह से उसको फिक्सेशन करना है, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करना है। एग्जाम्पल के तौर पर इन अ किडनी इट कैन बी बिसाइड बाइसेक्ट एंड 1/2 कैप्ट असाइड फॉर द म्यूजियम। जो किडनी, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया किडनी का, क्या कर सकते हैं हम, एक पार्ट उसको म्यूजियम में क्या कर सकते हैं, उसको
से स्पेसिमेन रख सकते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फिक्सेशन ऑफ स्पेसिमेन। स्पेसिमेन का हमें फिक्सेशन किस तरह से करना है, ये म्यूजियम टेक्निक का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें उसको फिक्स किस तरह से करना है। तो इसका इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं कि वंस टिश्यू आर रिमूव फ्रॉम बॉडी दे स्टार्टेड टू सेल्फ डिस्ट्रक्शन और ऑटोलाइसिस। जैसे ही किस टिश्यू को बॉडी से रिमूव किया जाता है वो क्या स्टार्ट करने लग जाता है, ऑटोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाता है अपने आप ही। और क्या होने लग जाता है, वो नष्ट होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, रुक जाती है। इस वजह से जो फिक्सेशन का जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इज टू प्रिजर्व सेल। सबसे मेन जो फिक्सेशन का ऑब्जेक्ट है वो क्या है, सेल्स को प्रिजर्व रखना और टिश्यू को प्रिजर्व रखना। जो टिश्यू जिस कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिस अवस्था में है, उसको उसी अवस्था के अंदर रखना इन अ क्लोज लाइफ स्टेट एज पॉसिबल। जैसा कि वो लाइफ में जीवित अवस्था में जैसा होता है उसको उसी अवस्था में रखना, उसका डिस्ट्रक्शन नहीं होना, उसका खराब नहीं होना, नष्ट नहीं होना, उसको रोकना ही फिक्सेशन का मेन पर्पज होता है। नाउ एंड टू अलाउ देम टू अंडरगो फर्दर प्रिजर्वेटिव प्रोसीजर विदाउट चेंजेस। उसमें बिना कोई चेंजेस हुए उसको क्या करना, प्रिजर्व रखना। नाउ फिक्सेशन स्टॉप ऑटोलाइसिस एंड बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। जो फिक्सेशन होता है वो क्या करता है, बैक्टीरियल जो डिकम्पोजिशन होता है उसको रोकता है, ऑटोलाइसिस को रोकता है और उसको स्टेबलाइज बनाए रखता है, उसको जैसी है उसी अवस्था में क्या करता है, बनाए रखता है। द वॉल्यूम ऑफ फिक्सेटिव शुड बी 10 टाइम द वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिमेन। जो फिक्सेटिव हम इसमें यूज करेंगे, फिक्सेटिव जो सॉल्यूशन इसमें यूज करेंगे वो क्या होना चाहिए, स्पेसिमेन का 10 गुना ज्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर इनसफिशियंट रेट ऑफ द फिक्सेटिव इज रिजल्ट इन क्लाउडनेस ऑफ सॉल्यूशन, अगर उसमें फिक्सेटिव की मात्रा क्या हुई, कम हुई, तो क्या हो जाएगा, वो फिक्सेटिव जो सॉल्यूशन रखा है वो क्या हो जाएगा, क्लाउडी हो जाएगा ड्यू टू द, उसकी वजह से जो हमने स्पेसिमेन लिया है उसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी और फिक्सेटिव की कम हो जाएगी, तो क्या होगा, वो हमें साफ दिखाई नहीं देगा, वो अच्छी तरह से उसको क्या नहीं होगा, कवर भी नहीं कर पाएगा। द स्पेसिमेन शुड बी सस्पेंडेड इन द फिक्सेटिव। जो स्पेसिमेन हमने लिया है वो फिक्सेटिव में क्या होना चाहिए, अच्छी तरह से सस्पेंड होना चाहिए। किसी भी जैसे सस्पेंड करो किसी थ्रेड से उसको अटैच करके और फिर उसको क्या करना है, सस्पेंड करना, लटकाना है उसको। नाउ पेनिट्रेशन रेट ऑफ द फिक्सेटिव इनटू सम ऑर्गन सच एज लीवर किडनी एंड स्प्लीन आर वेरी स्लो। जो फिक्सेटिव की पेनिट्रेशन रेट होती है, मतलब फिक्सेटिव के उस ऑर्गन के अंदर, टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट होने की, उसको अंदर पास होने की जो रेट होती है, कुछ जो पार्ट, कुछ जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो इसलिए जो फिक्सेटिव हम लेते हैं वो क्या लेना चाहिए, उस स्पेसिमेन से 10 गुना ज्यादा लेना चाहिए। जैसे कुछ ऑर्गन होते हैं, लीवर होती है, किडनी है, स्प्लीन है, इनकी पेनिट्रेटिंग रेट क्या होती है, बहुत कम होती है। नाउ बेसिकली 10% फॉर्मेलिन इज यूज फॉर द फिक्सेटिव। जो फिक्सेटिव होता है उसमें हम क्या लेते हैं, 10% फॉर्मेलिन का यूज करते हैं। मोस्ट फिक्सेटिव यूज टूडे इन म्यूजियम आर बेस्ड ऑन फॉर्मेलिन फिक्सेटिव टेक्निक डिराइव्ड बाय केसरली। ठीक है, आजकल जो म्यूजियम टेक्निक में फिक्सेटिव ज्यादातर जो यूज में लिए जा रहे हैं वो किसके बेस के ऊपर है, फॉर्मेलिन बेस पर है। ठीक है, और जो किसके द्वारा डिराइव की गई, एक साइंटिस्ट है केसरलिंग। केसरलिंग रिकमेंडेड दैट द इनिशियल फिक्सेटिव बी अ नेचुरल फॉर्मेलिन एंड देन ट्रांसफर टू द फाइनल प्रिजर्विंग ग्लिसरीन सॉल्यूशंस फॉर लॉन्ग टर्म। स्टार्टिंग में हम इसमें फिक्सेशन के रूप में जो फिक्सेटिव यूज लेते हैं वो क्या होता है, केसरलिंग फर्स्ट होता है, जो किसके ऊपर बेस होता है, फॉर्मेलिन के ऊपर बेस होता है। और इसके बाद इसको हम किस में ट्रांसफर कर देते हैं, केसरलिंग थर्ड सॉल्यूशन में इसको ट्रांसफर कर लेते हैं लंबे टर्म तक इसको प्रिजर्व करने के लिए, जो किसके ऊपर बेस होता है, ग्लिसरीन सॉल्यूशन के ऊपर बेस होता है। नाउ फिक्सेशन टेक्निक, अब इसके जो फिक्सेशन टेक्निक होती है वो किस तरह से होती है, केसरलिंग टेक्निक मोस्ट वाइडली यूज। सबसे ज्यादा जो म्यूजियम टेक्निक में फिक्सेशन की जो टेक्निक यूज आती है वो कौन सी होती है, केसरलिंग टेक्निक होती है। देयर आर 3 केसरलिंग सॉल्यूशन। हम इसमें कितने टाइप्स के यूज में लेते हैं, 3 तरह के केसरलिंग सॉल्यूशंस यूज में लेते हैं। फर्स्ट फॉर फिक्सिंग, फर्स्ट जो सॉल्यूशन होता है किसके लिए होता है, फिक्सिंग के लिए होता है। सेकेंड जो केसरलिंग सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, कलर को रिस्टोर करने के लिए होता है। जैसे स्पेसिमेन का कलर होता है उसको उसी कलर अवस्था में रखने के लिए होता है, ताकि क्या करते हैं, उसमें स्टोर करके उसका कलर फेड ना हो स्पेसिमेन का।
थर्ड किसके लिए होता है, माउंटिंग फ्लूड होता है। जैसे ही हमने स्पेसिमेन लिया उसको माउंट करेंगे, उसको किस अवस्था में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, उसके लिए हम थर्ड फिक्सेशन सॉल्यूशन यूज करते हैं, और वो कौन सा था, थर्ड केसरलिंग सॉल्यूशन। नाउ फर्स्ट हम देखते हैं केसरलिंग, फर्स्ट इसको फिक्सिंग फ्लूड भी बोलते हैं। इसकी जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, इसमें फॉर्मेलिन होता है, 40% फॉर्मेलिन होता है, जिसकी अमाउंट कितनी लेते हैं हम, 400 ml लेते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट 30 ml, पोटेशियम एसिटेट होता है इसमें 60 g होता है, और वाटर होता है इसमें 2000 ml, ठीक है। इसके बाद जो फिक्सेशन है केसरलिंग फर्स्ट में, इसको हम कोई भी स्पेसिमेन है उसको केसरलिंग फर्स्ट में कितने टाइम के लिए रखते हैं, इसमें रखते हैं हम उसको 24 hours से लेकर के कुछ वीक तक, ठीक है। मैंने कुछ वीक क्यों कहा, क्योंकि कुछ जो स्पेसिमेंस होते हैं उनके साइज के अकॉर्डिंग रखा जाता है, अगर उनका साइज बड़ा है तो उसको ज्यादा टाइम के लिए रखेंगे, अदरवाइज 24 से और फ्यू वीक तक इसको रखा जाता है। नाउ नेक्स्ट है केसरलिंग सेकंड, ठीक है। केसरलिंग जो सेकंड नंबर का, इसके बाद हम इसको किसमें ट्रांसफर करेंगे, केसरलिंग नंबर टू सॉल्यूशंस में, और वो किसके लिए होता है, रीस्टोर द कलर। नाउ स्पेसिमेन इज प्लेस इन 80% एथाइल अल्कोहल फॉर 4 hours डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ स्पेसिमेन। इसके बाद हम इसको किसमें ट्रांसफर कर देंगे, 80% एथाइल अल्कोहल में इसको ट्रांसफर कर देंगे, और इसको कब कितना रखेंगे, 1 घंटे से लेकर के और 4 hours तक इसको रखेंगे अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द स्पेसिमेन। इफ द स्पेसिमेन इज लेफ्ट फॉर टू लॉन्ग टाइम इन एल्कोहल द कलर विल बी फेड। अगर इसको हम एल्कोहल में ज्यादा देर तक रखा है इसको, तो इसका कलर क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। फॉर द कलर रिस्टोरेशन द फिक्स स्पेसिमेन ट्रांसफर इन टू मिथाइलेटेड जार। इसके कलर को स्टोर करने के लिए हम इसको किसमें ट्रांसफर कर देंगे, इसको मिथाइलेटेड जार के अंदर इसको ट्रांसफर कर देंगे, द कलर इज स्टोर्ड। नाउ फॉर कलर रिस्टोरेशन इज यूजुअली कंप्लीट इन टू 2-8 hours डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द स्पेसिमेन। मिथाइलेटेड जो जार है उसमें इसको कितने तक रखेंगे, 2-8 hours तक रखेंगे, या फिर जो स्पेसिमेन का साइज है उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें रखना है। इसके बाद अब हम देखते हैं केसरलिंग थर्ड सॉल्यूशन आता है, जिसको हम बोलते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को फाइनली लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व करके रखते हैं। तो इसकी जो कंपोजिशन होती है, ठीक है, वो क्या होती है, सेकेंड वाले की तो मैंने बता दिया आपको। इसके बाद थर्ड की जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, पोटेशियम एसिटेट होती है, जिसकी कितनी होती है, 1416 ग्राम से लेकर के ग्लिसरीन कितना होता है इसमें, 4 liters, और डिस्टिल वाटर अप टू 10 liters होता है। ना केसरलिंग थर्ड सॉल्यूशन इज यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ स्पेसिमेन। दिस फाइनल सॉल्यूशन इन विच द स्पेसिमेन विल रिमेन फॉर डिस्प्ले। जैसे इसको हम डिस्प्ले करके रखना है म्यूजियम में, तो ये जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, फाइनल सॉल्यूशन होता है। इसके अंदर ही हम स्पेसिमेन को लंबे टाइम तक क्या करते हैं, इसको रखे रहने देते हैं। एंड इट इज बेस्ड ऑन ग्लिसरीन सॉल्यूशन। ये जो केसरलिंग थर्ड सॉल्यूशन है किसके ऊपर बेस है, ग्लिसरीन। इनमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, ग्लिसरीन होता है। ना थाइमोल क्रिस्टल्स एडेड टू प्रिवेंट मोल्ड्स। इसके अलावा अगर हम इसमें यूज करना चाहें तो इसमें थाइमोल है, उसको क्या मोल्ड्स को प्रिवेंट करने के लिए भी इसको रख सकते हैं। लीव सॉल्यूशंस फॉर 2-3 days बिफोर यूजिंग टू एंश्योर प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ केमिकल। नाउ एड 1% पैरिडीन फॉर स्टेबलाइजर। को स्टेबलाइजर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें 1% पैरिडीन भी यूज कर सकते हैं, सॉरी पैरिडीन। नाउ अब म्यूजियम टेक्निक का लास्ट और फाइनल जो पार्ट है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ द स्पेसिमेन। अब हमने स्पेसिमेन को फिक्स कर लिया, ठीक है, उसको अच्छी तरह से, अब हमें क्या करना है, उसको म्यूजियम में रखने के लिए वो तैयार है। लेकिन अब म्यूजियम में किस में रखेंगे उसको, किस में उसको प्रेजेंट करेंगे, वो वाली बात आती है इसमें। स्टार्टिंग में क्या होता था कि इनिशियली ऑल म्यूजियम स्पेसिमेंस वर माउंटेड इन ए सिलेंड्रिकल जार। स्टार्टिंग में जो सारे जो स्पेसिमेंस वगैरह रखे जाते थे म्यूजियम में, वो किस में रखे जाते थे, सिलेंड्रिकल जार में रखे जाते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, लेटर दे वर रिप्लेस बाय रेक्टेंगुलर ग्लास जार। इसके बाद इनको किस में रखे गए, रेक्टेंगुलर ग्लास जार में उनको यूज में किया गया रखने के लिए। दे आर कवर्ड बाय रेक्टेंगुलर ग्लास प्लेट। नाउडेज परफेक्ट ग्लास जार
आर अवेलेबल विच आर लाइटर देन ग्लास जार। आजकल जो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेसिमेन को जो यूज में आ रहे हैं वो क्या रहे हैं, परफेक्ट जार यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक तो क्या होते हैं ये उससे लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, इनको उठाने करने में भी क्या होते हैं आसानी होती है। बट परफेक्ट जार में यूज तो कर लेते हैं, लेकिन इसकी एक कमी ये है कि दे कैन नॉट बी यूज टू स्टोर स्पेसिमेन फिक्स इन एल्कोहल और मिथाइल सैलिसिलेट। मतलब ऐसे स्पेसिमेन जिनको किससे फिक्स किया गया, एल्कोहल से फिक्स किया गया है या मिथाइल सैलिसिलेट से किया गया, उनको इसमें क्या नहीं कर सकते, स्टोर करके नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, प्लास्टिक्स के होते हैं तो उससे क्या कर लेते हैं, ये रिएक्शन करने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इनको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। अब आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि ये ग्लास जार है जो पहले यूज होता था इनिशियली, और ये क्या है, परफेक्ट जार है। ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है, और इसके जो डायग्राम है इसमें दिखा रखा है कि ऊपर ये क्या होती है, लीड होती है इसको कवर करने के लिए, इसके बाद ये स्पेसिमेन है, इसके बाद ये प्लेट पे इसको स्पेसिमेन को थ्रेड से अटैच कर रखा है, और ये इसका बेस है। इस तरह से स्पेसिमेन को एक म्यूजियम में प्रेजेंट करके रखा जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अगर आपको DMLT या पैरामेडिकल्स या नर्सिंग से रिलेटेड और भी किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।